आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कुंदीगढ़ निवासी अरबाज नाम का युवक, जिसकी कुछ दिनों पहले अपनी कनपट्टी पर स्वयं तमंचा लगाकर आत्महत्या की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होते ही पुलिस तलाश में जुट गई थी। वहीं सर कोतवाल के गुप्ता ने बताया कि युवक का एक युवती से प्रेम प्रपंच का मामला था। युवक की हरकतों से तंग आकर युवती ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए युवती और उसके पिता व माँ को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस तभी से फरार चल रहे अरबाज की तलाश कर रही थी। सूचना मिली कि सिरफिरा आशिक अपने साथी के साथ सिकरौरा पुलिया के पास खड़े हैं, जिसके पास असलाह व कारतूस है और ये लोग युवती को मारकर खुद को भी गोली मार सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम सिकरौरा पुलिया के पास पहुंची कि पुलिस टीम को देखते ही खड़े व्यक्तियों में से एक ने पुलिस टीम को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और पुलिस टीम ने मौके पर ही दोनों व्यक्तियों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम अरबाज और दूसरे ने सिंटू चौहान निवासी बरही गुजही जहानागंज बताया। तलाशी लेने पर अभियुक्त अरबाज के पास से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और अभियुक्त सिंटू चौहान के पास से 1.32 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था जो जिसने अपनी खनपट्टी पर असला लगा रखा था और उस वीडियो में उसके द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इसके संबंध में थाने पर एक मुकदमा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। ये दो अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो अरबाज है जो कि तमंचा लगाया हुआ वीडियो वायरल में दिख रहा है, दूसरा इसका साथी है सिंटू चौहान जो कि शातिर बदमाश है और इन दोनों के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, असला जो इसका जो असला था वो इसने अपना असला सिंटू को दे दिया था, जो दूसरा वाला अभियुक्त है उसे दे दिया था और उसके पास भी असला था, तो दोनों के पास से ये असला, दो असला बरामद हुए, पुलिस मुठभेड़ में बंद हुए और बाकी कार्रवाई जो है की जा रही है।